आज से 3 साल पहले और 4 साल पहले इस देश की राजनीति में 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे। आज से 4 साल पहले इस देश के लोगों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत देके जिताया था। आज से 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अभूतपूर्व बहुमत देके जिताया था। दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की उम्मीद थी कि इतना अभूतपूर्व बहुमत दे रहे हैं, ये सरकारें कुछ अलग करके दिखाएंगी, जो जनता की इतनी सारी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालेंगे। 3 साल और 4 साल कोई छोटा समय नहीं होता, इसलिए ये समय है ये देखने का कि दोनों सरकारों ने इन 3 साल में और 4 साल में क्या काम किया। अगर मैं कुछ भी कहूं तो कहा जाएगा कि राजनीति कर रहा है, तो मैंने पिछले दिनों में कई लोगों से बातचीत की, मैंने जनता से पूछा, कई लोगों से पूछा पहले, और मैंने नहीं पूछा, पूछवाया, मैंने भेज के सर्वे कराया, लोगों से पूछा गया भाई केंद्र की भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किया, और उनसे पूछा गया भाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किया। तो जब पूछा गया भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किए, तो जो सबसे पहला जवाब आता है, जी जितने बैंकों के घोटाले पिछले 3-4 साल के अंदर हुए हैं, आज़ादी के बाद से आज तक शायद इतने बैंकों के घोटाले आज तक कभी नहीं हुए। ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इससे दिल्ली की जनता बड़ी त्रस्त है। ये मुद्दा केवल ये नहीं है कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, और भाग गया नहीं, भगाया गया। 9,000 करोड़ रुपए लेके कोई आदमी ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा, एक रात को हवाई जहाज में बैठ के चला गया, कह रहे हैं पता नहीं चला, वहां पे कस्टम वाले होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वहां पे इमिग्रेशन वाले होते हैं, ऐसे ही थोड़ी कोई हवाई जहाज जोड़ के ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। तो भगाया गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके उसको भगाया गया। अब नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए लेके उसको भगा दिया, और अभी किसी ने थोड़ी देर एक दो दिन पहले मेरे को लिस्ट भेजी थी बड़ी लंबी, शिमभोली शुगर लिमिटेड 109 करोड़, टोटम इंफ्रा 1,394 करोड़, कनिष्क गोल्ड 824 करोड़, SLCL 4,000 करोड़, विक्रम कोठारी 3,695 करोड़, द्वारका दास सेठी 379 करोड़, जतिन मेहता 6,712 करोड़। इतने लोग पैसे ले लेके और भागते जा रहे हैं, तो एक प्रश्न ये उठता है कि कोई इनसे रिश्तेदारी तो थी नहीं, कि भाई रिश्तेदारी थी, चाचा ताऊ लगता था, चलो अपना भगा दिया, तो कुछ ना कुछ तो आज फ्री में तो कोई बेटा अपने बाप का काम नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि खूब जनता, खूब लोगों को हजारों हजारों करोड़ लेके इस देश से भगाया जा रहा है। एक तो ये तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है कि यूपीए को जनता ने इसीलिए तो हटाया था, रोज सुनने में आता था कभी 2G कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी कॉमनवेल्थ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, और अब ये रोज सुनने में आ रहा है कि वो फलाने बैंक का पैसा लेके भाग गया, वो फलाने बैंक का पैसा लेके भाग गया, वो क्या क्या बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये कि अमूमन 90% जनता एक ही प्रश्न पूछ रही है, कह रहे हैं जी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, पंजाब नेशनल बैंक
मैं अब हमारे एक आदमी आया मेरे पास, रिटायर्ड आदमी था, बोला जी जितनी जिंदगी की जमा पूंजी थी सारी मैंने FD करा रखी है PNB में। तो बोला जी अरविंद जी आप तो थोड़े जानकार आदमी हो, तुड़वा लूँ FD वापस निकलवा लूँ, मेरा पैसा सेफ तो है, कहीं ऐसा तो है। लोग बहुत डर रहे हैं, चारों तरफ डर का माहौल है, लोग कह रहे हैं किस बैंक में पैसा जमा कराएं, और अब बता रहे हैं कानून ला रहे हैं ये लोग कि अगर कोई बैंक दिवाला हो जाए तो जितने लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं उनके पैसे जब्त हो सकते हैं, ये कानून लाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं एक तो कि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जरा सा जनता को ये बता दें कि किस बैंक में पैसा जमा कराएं जहां पे पैसा सुरक्षित हो, जनता का, जनता के अंदर भरोसा हो। कौन सा ऐसा बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कौन सा बैंक है, किस बैंक में लोग पैसे जमा कराएं जिसमें उनका पैसा सुरक्षित होगा। ये एक ऐसा डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ है जिसका जवाब चाहिए जनता को। दूसरा, जनता ने बोला जी पिछले 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर व्यापारियों को बर्बाद करने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले नोटबंदी, बोले नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होएगा, नोट बेकू बनाया, ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ, कुछ नहीं खत्म हुआ। उसके बाद GST और अब सीलिंग की तीसरी मार, 1 साल के अंदर बेचारा व्यापारी, तीन इतने बड़े उसके ऊपर वार हुए, अब लोग दुकानें बंद कर करके, दुकानें बंद कर करके व्यापार बंद हो रहा। मैंने कई व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि पिछले 3 साल में तुम्हारी क्या ग्रोथ हुई। आदमी ग्रोथ के लिए काम करता है कि मेरी 10% इस बार ग्रोथ हुई, मेरी 20% ग्रोथ हुई, मेरा टर्नओवर बढ़ा, मेरा मुनाफा बढ़ा। ये बड़े बड़े धन्ना सेठ छोड़ दो, अंबानी अडानी, मेरे को भाई साहब आम व्यापारियों में एक व्यापारी ऐसा नहीं मिला जो कहता हो जी बोला जी पहले 10 रुपए कमाते थे तो 8 रुपए बच गए, कोई बरकत नहीं हुई हमारी 4 साल के अंदर, उल्टा नीचे जा रहे हैं सारे। पहले कोई 4 आदमी किसी ने अपनी दुकान पे रख रखे थे तो उसने एक हटा के 3 कर दिए। दिल्ली के अंदर सीलिंग की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको मूंछ की लड़ाई बना लिया, बोले नहीं ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, बिल नहीं लाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दिल्ली तबाह हो जाए, चाहे सारे व्यापारी बर्बाद हो जाए, चाहे सारे भुखमरी पे आ जाए, ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, मूंछ की लड़ाई बना ली। ये गलत बात है। तो क्या व्यापारियों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, इसकी वजह से बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से फैल गई है, युवाओं को समझ नहीं आ रहा। और मेरे दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर बेरोजगारी फैल गई, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसको काबू करने में आपको पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे मजाक बन के रह गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 साल तक रुपए नहीं गिने गए, बोले रुपए नहीं गिने जा रहे हमसे, अभी भी गिन रहे हैं, गिनती चालू है। RBI का मजाक बन गया, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया, CBI का मजाक बन गया, दिल्ली पुलिस का मजाक बन गया, लोकपाल का मजाक बन गया, RTI का मजाक बन गया, सारी यूनिवर्सिटीज का मजाक बना हुआ है। फिर हमने लोगों से पूछा भाई 3 साल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा। भाई साहब 4 बातों की तो सारे चर्चा करते हैं, बोले जी शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांति आ गई, लोग कह रहे हैं हम अपनी तारीफ करें वो ठीक नहीं है, जब जनता कहे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि प्रधान साहब ने भी शिक्षा मंत्री जी की पीठ थपथपाई है। ऑपोजिशन वाले जब कहें कि अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो हेल्थ के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। बिजली के क्षेत्र में सबसे सस्ती बिजली आज पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है, लगातार 3 साल, 4th साल में जा रहे हैं और 4th साल के अंदर भी। पानी के क्षेत्र में इतना काम हुआ, लेकिन आज यहां पे मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब पानी के ऊपर इन्होंने गंदी राजनीति करनी चालू कर दी है। पिछले 3 महीने से दिल्ली को
हरियाणा दिल्ली का अपना पानी तो है नहीं, दिल्ली के पास हरियाणा से यूपी से पानी आता है। पिछले 3 महीने से हरियाणा को अमोनिया वाला पानी दिया जा रहा था, हरियाणा से अमोनिया वाला पानी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से पानी की बुरी तरह से किल्लत हो रही थी। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अमोनिया वाला तो ठीक कर दिया, लेकिन अब उन्होंने पानी का स्तर नीचे कर दिया। लगभग 70 से 80 MGD पानी डेली हरियाणा से कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? अभी तक 10-15 साल में कभी ऐसा नहीं किया था इतना जबरदस्त पानी का स्तर नीचे कर दे। अब ये पानी की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को प्यासा मारना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, इस तरह की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। मुझे लगता है राजनीति करनी है चुनाव के पहले करनी चाहिए। आपको जनता से बदला नहीं लेना चाहिए, जनता के साथ इस किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि आप जनता को प्यासा मार दो। अगर जनता को प्यासा मारोगे, उनकी ऐसी आह लगेगी, उनकी ऐसी हाय लगेगी, आपको जिंदगी भर कोई नहीं बचा सकेगा उसके बाद। अब राशन, गरीबों का राशन, गरीबों के पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है। राशन में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, हम सब लोग जानते हैं। राजनीति में आने से पहले हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में राशन के ऊपर ही काम किया करते थे। हमने इसकी पूरी प्लानिंग करी कि भाई हम राशन को, अभी लोगों को राशन लेने के लिए दुकान पे आना पड़ता है, दुकानें खुलती नहीं है, पूरे महीने में 2 या 3 दिन दुकान खुलती है, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगती है, राशन वाला कम राशन तोलता है, ज्यादा पैसे लेता है, गंदा राशन देता है, लोगों को ढेरों शिकायत है और उसमें खूब भ्रष्टाचार है। तो हमने ये पूरी प्लानिंग करी कि राशन को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। आपका जितना राशन बनता है उसको पैक करके, बोरी में पैक करके आपके घर में कोई देके आएगा, आपको दुकान में आने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके घर पे राशन पहुंच जाएगा। मुझे लगता है ये क्रांतिकारी कदम था। इस किस्म की सोच और उसके बाद उसको का कार्यान्वयन, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी हम लोगों ने, लेकिन एलजी साहब ने उसको मना कर दिया। मैंने विजेंद्र गुप्ता जी के बड़े बयान पढ़े हैं अखबारों के अंदर कि ये डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन के खिलाफ हैं। तो मैं अगले हफ्ते से दिल्ली की झुग्गियों में खुद जा रहा हूं, एक एक घर में जाऊंगा दिल्ली के, और ये मेरे सारे MLA जाएंगे। हम वहां जाके कहने वाले हैं कि बीजेपी ने एलजी साहब को कह के ये बंद करा दिया। तो मैं बस 2 लाइन में आपसे यह जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन पे क्या ऑब्जेक्शन है। हाँ बोलो, चर्चा तो होनी चाहिए। माइक खोल दो भाई, माइक खोलो। पूंजीपति 3.5 करोड़ गेहूं चावल चीनी गरीबों का ले जाएगा और गरीबों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसको कोई आपके पास हिसाब नहीं है। क्यों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हो आप, मुझे ये समझ नहीं। ये आपको किसने कह दिया? कंपनी क्यों पैदा करना चाहते हो दिल्ली? अच्छा, तो एक तो आपका ये कि पूंजीपतियों पे, और बस पूंजीपतियों को जब आपने ई पॉज लागू कर दिया, जब आपने पोर्टेबल सिस्टम लागू कर दिया कि कहीं से भी किसी भी दुकान से राशन लो आपकी मर्जी, दिल्ली में साउथ दिल्ली से लो, नॉर्थ दिल्ली में लो, ईस्ट दिल्ली में लो, जब ई पॉज लागू हो गया, 4 लाख नकली राशन कार्ड पकड़े गए, 16 लाख नकली लोग पकड़े गए, जब जो 1.5 लाख परिवार लाइन में लगे हुए गरीब है, जो उसकी उनको राशन मिल नहीं रहा, वो घर बैठे बेचारे, वो 20 रुपए के लोग गेहूं खरीद रहे, और जिनके बड़े बड़े मकान है वो राशन ले जा रहे हैं गरीबों को। इमरान हुसैन जी ने सदन में बयान दिया, इनको सारा बोल लेने दो आज। हाँ, मोटे मोटे तौर पे इनके 3 ऑब्जेक्शन है। हाँ, वो एलजी साहब ने नोट दिया होगा, एलजी साहब ने बुला के बनाया है, बता दी। वो एक ही बात है, एलजी और बीजेपी एक ही बात है।
एक इनका ये कहना है भाई धन्ना सेठों को, धन्ना सेठ से आपका मतलब है भाई जो भी ठेका लेगा इसका, जो इम्प्लीमेंट करेगा, एक मिनट हाँ बता दो, अगर वो 5,000 करोड़ से कम के आदमी हो तो मुझे महेंद्र जी अब बैठ जाओ, 5,000 करोड़ जिसके पास नहीं है उनको गरीबों का गेहूं चाहिए। महेंद्र जी अब बैठ जाओ, जवाब तो ले लो अब शांति से सुन ले। लगभग 3,000 राशन की दुकानें हैं, एक मिनट रुक जाओ अभी बाद में कर लेना। 3,000 लगभग, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब मेरा टाइम है। दिल्ली में लगभग 3,000 राशन की दुकानें हैं। हमारी तो नई नई पार्टी है, हमारी तो नई नई पार्टी है, हमारे में से तो अभी किसी ने राशन की दुकानें ली नहीं है। वो आधी बीजेपी वालों की, आधी कांग्रेस वालों की है। तो वो जो बीजेपी के राशन वाले राशन की चोरी करके इन लोगों को पैसे पहुंचाते हैं, वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तकलीफ इस बात की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन बड़े बड़े धन्ना सेठों की ये NHAI की इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, कोई ठेकेदारी बनाता है? PWD की सड़कें बनती है, कोई ठेकेदारी बनाता है? या मंत्री जाके सड़कें बनाता है? टेंडर होंगे, टेंडर में जो अप्लाई, एक मिनट, टेंडर होंगे, टेंडर में जो अप्लाई करेगा, जिसका सबसे कम रेट आएगा वो करेंगे। LG साहब ने आपको ये नहीं बताया, LG साहब ने जितने उसमें ऑब्जेक्शन लिखे हैं, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है आज, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं LG साहब के पास पर्सनली मिलने दो बार गया, मैं पर्सनली केवल इसके लिए गया, मिलने के लिए, डोर स्टेप डिलीवरी राशन के लिए। मैंने LG साहब से कहा, मैंने कहा सर आपसे मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए। मैंने कहा सर राशन के ऊपर मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने 2006 से दिल्ली की सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया है, मेरे ऊपर हमले हुए, हमारे कार्यकर्ताओं पे 7 बार हमले किए गए, हमारी एक कार्यकर्ता थी संतोष, उसका गला काट दिया गया, हमारा एक कार्यकर्ता था चंदर, उसकी नाक काट दी गई, हमने बहुत हमले सहे हैं इस राशन व्यवस्था के लिए। इस राशन व्यवस्था को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, ये डोर स्टेप डिलीवरी, मेरे को राशन की एक एक कानून और एक एक दांव उसका पता है, उसका उसकी नस का पता है, ये कहां कमाते हैं क्या करते हैं। मैंने कहा सर एक ही चीज आपसे मांगने के लिए आया हूं, इस प्रपोजल को पास कर देना, अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन हो इसको पास करने के पहले, अगर आपके मन में कोई शंका हो मेरे को बुला लेना। मैं दो बार गया विजेंद्र जी, अब ये तो कोई बात नहीं, मैं दो बार गया, मुझे कहते हुए बड़ा दुख है क्या कि LG साहब ने मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद उन्होंने इतनी बेसिक कर्टसी नहीं दिखाई कि इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करने के पहले मेरे को बुला लेते। बेहद दुख है आज मेरे को, मैं LG साहब से कहना, रेगुलर चुप हो जाइए, मैं LG साहब से कहना चाहता हूं, मरने के बाद जब भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान पूछेगा कि केजरीवाल जब गरीबों को राशन बांटने के लिए इतनी अच्छी स्कीम ला रहा था आपने क्यों मना की, वहां पे जब आप कहोगे मेरे को बीजेपी वालों ने कहा था, भगवान आपको कभी माफ नहीं करने वाला। गरीबों की आह लगेगी बीजेपी वालों को और LG साहब को, ये गलत जो आप गलत काम कर रहे हो, जो आप गलत काम कर रहे हो ये पूरी जनता देख रही है। और हम एक एक घर में जाएंगे, दिल्ली के एक एक घर में जाएंगे, सारे व्यापारियों को तो तुमने नाराज कर लिया, अब सारे गरीब 70 लाख लोग हैं दिल्ली के अंदर जो राशन लेते हैं, मजाल एक आदमी जो तुमको वोट दे दे, इसके बाद हम देखते हैं कैसे वोट देते हैं। जनता जनता अब तुमको सबक सिखाएगी। अध्यक्ष महोदय, हम केवल पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, हम नेगेटिव राजनीति नहीं करना चाहते। हमें यह लगता है राजनीति केवल चुनाव के पहले होनी चाहिए, चुनाव के पहले जो आप लोगों ने कहना है आप कह लो, चुनाव के पहले जो आपने गाली गलौज करना है कर लो, लेकिन एक बार अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाए, जैसे जगदीश प्रधान जी हैं विपक्ष के व्यक्ति हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने यह नहीं देखा कि ये विपक्ष का आदमी है, मैं स्कूल नहीं बनवाऊंगा इसके यहाँ, इन्होंने स्कूल जमन दे दी ना, कमरे बनवा दिए ना। हम उन्होंने अभी सदन में कहा 76 कमरे बनवा दिए। हम पॉजिटिव राजनीति में यकीन रखते हैं, हमें यह लगता है कि अगर कोई देश के लिए अच्छा काम हो रहा है उसके अंदर सारी पार्टियों को मिलकर अच्छा काम होने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर
बाकी दोनों उससे उससे रिलेटेड नहीं है ना ऑब्जेक्शन, डोर स्टेप डिलीवरी से नहीं है, वो तो ई पोस्ट को हटा दिया, ये क्यों कर दिया वो कर दिया, उसका कोई डोर स्टेप डिलीवरी। हम तो जनता को जाके यही कहेंगे, एक एक घर में जाएंगे और उनको जाके बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसको पैसा पहुंचता था इन राशन वालों से, उसको तकलीफ हो रही है और वो ये नहीं चाहती कि राशन वालों की दुकानें बंद हों और जनता को घर घर पे राशन मिले। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक नई किस्म की राजनीति ने जन्म लिया है, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, 70 साल के अंदर जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा, दूसरी पार्टियों की 70 साल से दूसरी पार्टियों की सरकार है, कोई राज्य ले लीजिए, लेकिन एक राज्य ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर इतने बढ़िया स्कूल हो, इतने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक हो, सारी दवाइयां मुफ्त हो, सरकारी अस्पतालों के अंदर इतना काम किया गया हो, और जितनी इतनी स्कीम्स जो 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार लेके आई है, कोई ऐसा राज्य बता दो जिसमें 70 साल में इन्होंने इतना काम करके दिखाया हो। तो आम आदमी पार्टी जब आई थी, लोगों ने उम्मीद से वोट दिया था, और मुझे बेहद खुशी आज ये कहते हुए कि आज जनता को ये लग रहा है कि यार हो तो सकता है, अभी तक हमें बेवकूफ बनाया था इन लोगों ने, 70 साल में इन्होंने बेवकूफ बनाया था, हो तो सकता है, स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छे हो सकते हैं, सड़कें भी अच्छी हो सकती है, बिजली भी अच्छी हो सकती है, पानी भी अच्छी हो सकती है, नीयत साफ होनी चाहिए। आज साफ नीयत वाली सरकार है, वित्त मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ और इसके प्रति अपना पूरा समर्थन जाहिर करता हूँ।